नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सर में दर्द हो जाना आजकल एक आम समस्या हो चुका है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी माइग्रेन, आधी सीसी का दर्द जिसे हम कहते हैं, या फिर गर्दन में अकड़ाहट होने से भी सर में दर्द हो जाता है, या जगह चेंज होने से सर में दर्द हो जाता है। कभी कभी गैस एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो सर में दर्द हो जाता है। मौसम परिवर्तित होने से सर में दर्द हो जाता है, और आजकल तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है इसलिए भी सर में दर्द हो जाना। स्ट्रेस, टेंशन, नींद पूरा ना होना, ये सब कारण है हेडेक के, सर दर्द के। पर जब हमारे सर में दर्द हो, ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हमको इंस्टेंट रिलीफ सर दर्द से मिले? और सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ ही नहीं, हम परमानेंट भी इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, ये हम आज समझेंगे। जब आपको सर में दर्द है या जब आपको सर में दर्द नहीं भी है, दोनों स्थिति में आपको करना है आनंद मदिरा आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, आनंद मदिरा। यह हमें इतना आनंद दे देता है कि हमारे सारे शरीर के कष्ट के साथ साथ मन का जो विचरण करने का स्वभाव है, वो भी कहीं 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 ना कहीं एकाग्र, यानी एकाग्र चित्त हम होते चले जाते हैं। तो आनंद मदिरा के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन आपको पता है किस तरह से करना है ना, आपने अपनी एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा टिकाया, दोनों एड़ी खोल दी और खुली हुई एड़ी पर हमने अपने हिप्स को टिका दिया। ये हमारा वज्रासन की स्थिति बन जाती है। तो वज्रासन में बैठने के बाद हमें अपने टखनों को, अपने एंकल्स को ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, उंगलियां बाहर की तरफ। एक बार ध्यान से देखिए हम कैसे पकड़ रहे हैं, ये देखिए इस स्थिति में पकड़ लेना है। और इस स्थिति में पकड़ करके सीधा बैठ गए। अब हमें दबाव महसूस होगा अपने टखनों पर, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। आप इस ही स्थिति में आते आते आपको अद्भुत आराम महसूस होगा। बस यहां थोड़ी देर रुकिए। अब यहां रुककर करना क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और ध्यान ले आइए भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्राउज। इस स्थिति में आकर के न तो किसी थॉट को इनवाइट करना है, न किसी थॉट को हटाना है। जो विचार आ रहा है आने दे, जो विचार जा रहा है जाने दे, बस पूरा ध्यान अपने भ्रू मध्य पर टिका करके रखें। लेट इट कम, लेट इट गो, और फिर गर्दन को वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप, इसमें रिपीटिशन हमको ज़्यादा नहीं करना, मैक्सिमम दो बार रिपीट कर लीजिए। वो भी तब अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, इस तरह से घुटने को, पैरों को खोल लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे और फिर दोबारा से इसको रिपीट कर लेंगे। पर इससे ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू होल्ड दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगला अभ्यास हम करेंगे सुगम सर्प आसन का अभ्यास, और उसके लिए आप इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाएंगे। सुगम सर्प से भी पहले क्या करना है, जो सर्प गति की स्थिति, भारत योग की जो सर्प गति की स्थिति बनती है, यानी दोनों कोहनी आपकी जमीन पर है और अपनी ठुड्डी को अपनी हथेलियों के बीच में टिका दो, पैरों को उठा दो, इस स्थिति में थोड़ी देर लेट जाइए। बस सर्प गति नहीं कर रहे हम यहाँ पर, सिर्फ इस स्थिति में लेटना। आप देखेंगे ये आपकी गर्दन से लेकर के खोपड़ी तक के सारे तनाव को दूर कर देगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर रुकना चाहे रुकें, पैरों को वापस ले आइए, हाथों का तकिया बना लीजिए, पैरों को खोल लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और फिर अंत में दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जमीन पर, कोहनी भी जमीन पर, और सुगम सर्प यानी जितना आसानी से चेहरा और सीना उठा सकते हैं उठाया, रुके, सांस को अंदर रोक कर सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, तीन बार इसे रिपीट कर लीजिए, फिर हाथों का सहारा लेकर के अपने आसन में वापस बैठ जाइए। ये आसान सा काम कीजिए, भारत योग की योग निद्रा जो बहुत प्रचलित है उसका अभ्यास कीजिए, नियमित रूप से योग साधना कीजिए। नमस्ते।